हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जय फैमिली ब्लॉग। आई होप मेरे सभी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और फ्रेंड, आज है थर्सडे और थर्सडे को होती है मेरे स्पेशल पूजा। तो सुबह सुबह मैं मंदिर में आ गई हूँ और सारे भगवान को अभी मैं स्नान करा के गंगा जल से अपने अपने जगह पे आसन पे रख दूंगी। और मेरे जितना भी भगवान है, फोटो फ्रेम वगैरह है, फोटो फ्रेम वाले भगवान और ये जो मूर्ति वाले भगवान, तो सबको अच्छे से मैं स्नान कराऊंगी, क्योंकि रेगुलर नहीं हो पाता है। तो मैं थर्सडे को ही अच्छे से नहलाती हूँ सब भगवान को। और अभी देखो, मैं सारे भगवान को ऐसे नहला रही हूँ। फिर ये जो अभी कान्हा जी को भी नहलाया, और अभी कान्हा जी को मैं उनका जो कपड़े पहनाऊंगी। तो फ्रेंड, ऐसे थर्सडे को जो होते हैं मेरे स्पेशल पूजा, तो बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के पहले काम होता है मेरा पूजा थर्सडे के दिन, और बाकी काम मैं बाद में करती हूँ। तो सुबह झाड़ू पोछा मार के फिर स्नान करके आ जाती हूँ मंदिर में। तो मंदिर को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि रेगुलर नहीं करती इतना। थर्सडे को अच्छे से सारे मंदिर को मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। और जितना मंदिर में जो हम लोग भगवान का जो थाली वगैरह या बर्तन यूज करते हैं, वो सबको मैं पीतम्बरी से अच्छे से चमकाती हूँ। तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। उसके बाद सारे भगवान को ऐसे नहलाना और इनको सजाना, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं हफ्ते में एक ही बार करती हूँ। और महालक्ष्मी का दिन होता है, तो महालक्ष्मी का जो घट वगैरह कलश होता है, वो भी चेंज होता है थर्सडे को ही। तो अभी देखिए मैं किस तरह से जो थर्सडे का पूजा करती हूँ, वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ आज। तो अभी देखिए, कान्हा जी को मैंने सजा धजा के बैठा दिया है उनके आसन में। तो ऐसे ही देखो सारे, ऐसे देखो श्री भगवान जी कितना सुंदर लग रहे, लड्डू गोपाल जी। तो ये ड्रेस तो उन्होंने बनाया था, बहुत सुंदर ड्रेस है, नेट से बनाया था, नेट के कपड़े से। तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, तो आज वही पहनाया मैंने कान्हा जी को, क्योंकि मैं थर्सडे को कान्हा जी को स्पेशल ड्रेस पहनाती हूँ। जो भी सुंदर ड्रेस होते हैं तो पहनाती हूँ। और अभी देखिए, जो ये लक्ष्मी जी का जो कलश होता है ना, तो कलश अभी इसमें सिंदूर लगा के, और जो आमेर पल्लव होता है, मतलब मैंगो लिप्स, वो उससे फिर कलश सजाते। लेकिन मैंगो लिप्स कभी कभी मिल जाता है तो मैं दे देती हूँ, नहीं तो जो आर्टिफिशियल आमेर पल्लव मिलता है उसी से फिर काम चलाना पड़ता है। तो इस पर अभी सिंदूर वगैरह लगा के फिर इसको अभी मैं बैठाऊंगी, जो महालक्ष्मी का कलश। तो इसमें अभी सिंदूर लगा रही हूँ, और ऐसे फिर इसमें जो धान दुर्बा होता है, तो उसके ऊपर फिर घट स्थापना किया जाता है कलश महालक्ष्मी जी का। तो हमारा ऐसे ही होता है थर्सडे वाले पूजा, तो हम ऐसे करते हैं। तो देखिए, अभी ये कलश में बैठाऊंगी महालक्ष्मी का जो फोटो लगा हुआ है फ्रेम, उनके सामने ही रखूंगी। और एक सिंदूर का डिब्बी भी रखना पड़ता है महालक्ष्मी के सामने। तो ऐसे ही पूजा होता है थर्सडे को, मतलब जिस तरह से मैं करती हूँ वही मैं दिखा रही हूँ। तो अब ये देखिए, दुर्बा जो पास दुर्बा होता है और पास धान, तो इसके घट के नीचे ही जो रखना पड़ता है। तो अभी इसको रखूंगी और फिर घट को स्थापना करूंगी। तो अभी देखिए, मैं धान लेना भूल गई थी, तो मैं धान लेने के लिए फिर उठी हूँ, उठ के अभी धान लेके आई हूँ। तो धान दुर्बा इससे फिर अभी ये कलश स्थापना करूंगी मैं। देखिए, ये पास दुर्बा और पास धान, और इसके नीचे थोड़ा सा मिट्टी भी रखा है मैंने, थोड़ा सा मिट्टी रखना पड़ता है। और अब मैं महालक्ष्मी के सामने रखूंगी। और अभी देखिए, चंदन तिलक से सारे जो भगवान है उनको अभी चंदन तिलक सब मैंने लगा दिया है, सिंदूर भी लगा दिया। और ये जो है शंख होता है, तो ये शंख में जो इसमें जल रखना पड़ता है, ये शंख का जो जल है ये भगवान को नहलाया जाता है। अगर रेगुलर मैं नहला नहीं पाती हूँ, तो फिर इसी शंख का पानी से ही मैं इनको छीटा लगा देती हूँ। तो ऐसे ही भगवान को नहलाते हैं।
तो अब ये शंख में भी मैंने दूर्वा तुलसी का पत्ता फूल सब लगा दिया है। तो देखिए अभी मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ, ये पताशे है तो पताशे का भोग लगाऊंगी अभी, तो ये भोग लगा रही हूँ। और बाकी सारे मेरे पूजा हो गया है, मैंने मंदिर भी सजा दिया है फूलों से, सारे भगवान को तिलक चंदन सिंदूर लगाया है और पूरा सुंदर करके सारे मंदिर फूलों से सजाया। और जो भी पूजा पाठ है मेरे 2 घंटा तो लग ही गया और अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी ये प्रसाद भगवान को दिया है मैंने भोग लगा के, और अभी इनको जो है आरती वगैरह करूंगी। माँ लक्ष्मी का जो आरती होता है तो आरती करूंगी, और माँ लक्ष्मी का आरती करते टाइम मैंने उलुधनी और शंख भी बजाया, लेकिन वो मैं नहीं दे पाया साउंड, क्योंकि ये वॉइस ओवर देना पड़ा, इसीलिए क्योंकि बाहर फेरी वाला के बहुत चिल्ला रहा था तो उसका आवाज आ गया था पूजा के टाइम, तो इसीलिए मैंने वो काट के फिर अपना वॉइस ओवर देना पड़ा मुझे। तो इसी तरह से ही मैं थर्सडे को पूजा करती हूँ, तो फ्रेंड ऐसे ही हमारा पूजा होता है, तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी जी को हम लोग पूजा करते हैं। और जो पाचाली होता है पाचाली मैं शाम को ही पढ़ूंगी, क्योंकि हम लोग जो थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं तो पूजा, इसीलिए मैं पाचाली शाम को ही पढ़ती हूँ। और शाम को जो है स्पेशल भोग भी लगता है माँ लक्ष्मी को, मैं स्पेशल भोग लगाती हूँ शाम को, तो लड्डू बर्फी या मतलब स्वीट वाले शॉप से लेके आऊंगी, फिर शाम को पूजा करूंगी और साथ में मैं पाचाली भी पढ़ूंगी। तो अभी तो ये सुबह का पूजा है, तो सब कुछ अभी कंप्लीट हो गया है पूजा, और अभी भगवान जी को आरती करके माँ लक्ष्मी को, तो मेरा लक्ष्मी पूजा यहीं पे समाप्त होता है सुबह का पूजा। और शाम को तो मैं पसाली पढ़ूंगी, तो सुबह नहीं पढ़ती मैं, तो इसी तरह मैं थर्सडे को पूजा करती हूँ फ्रेंड। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना, क्योंकि छोटा सा वीडियो मैंने शेयर किया, क्योंकि मैं थर्सडे का पूजा कभी शेयर नहीं किया, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैं पाचाली कभी पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कभी थर्सडे को जो पाचाली मैं पढ़ती हूँ वो भी मैं बाद में किसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी मेरे पूजा पाठ हो गया है, और अभी मैं भगवान जी के सामने माथा टेकूंगी, टेक के बस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो बाय बाय फ्रेंड, खुश रहिए, मस्त रहिए।